गुरु गोरखनाथ महाराज की। हाँ तो प्यारे सजनों, एक दिन के समय बाबू गोरखनाथ जी आपके चेला ने इकट्ठा कर गए और किसी भांति से पूछने लगे, सो कथा सुनो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक पुण्य से नहीं ने बाबू रे छोड़ा दे सब रे ले रावो रा।
सारे ही फिर लिया देश कुर्सा भले रहा है चेला कहने लगे गुरु जी महाराज अगे में और पीछे में सारे ही फिरिया अर देश मन तो पूर्व देश भलेरो लागे अरे उन टाइम गए मैंने बाबू गोरखनाथ जी कहने लगे नहीं भाई चलो आप यहाँ काम करो बागड़ में चाल श्याम बोले बागड़ में महाराज आंधी बाजा दिन ऑटोमेटिक ओडू उड़ना शुरू हो जावे खिंपर ऑटो जो खिंपा ऑटो यहाँ काम चाले को नहीं तो देखो आप बागड़ चाल श्याम बट काकड़िया मतीरिया घनाई होसी बरसात सीजने और भादो के महीनो है यार अपन बागड़ चालना ठीक है बोले नहीं महाराज बागड़ देश आप जावांगा अपन तीस मर जावांगा पानी है जो खारो है बोले चलो हमारी बात सुनो बागड़ के मायने कौन है बोले कौन है बागड़ गए मायने बाछल माता तापे आप पानी मांग छन तापा ने दूध ही पिलावे बोले गुरु जी मारे तो देखा आप आज अच्छी को नहीं अगर जकरी खावे बाजरी भरे देंगी आजरी ठीक है छो तो माने तो चालना ही है मारे तो के लिए है चालो बुलाई आप चेला अपने अपनी झोली तो उठा लिए आ प्यारे सजनो बागड़ खाने भी रुए त्यो प्यारे सजनो कभी की कल्पना है सजनो कौन सा तो बागड़ है कौन सा पूर्व है कह राजा जेवर के बाग के मायने आ जावे तो राजा जेवर को बाग हो जिको सूखो तो पेड़ पेड़ के मायने धुना लगा दिया जोगी राजा अब गूगड़ धूप की महकार हुई दादर मोर पपैया बोले और कोयल शोर मचावे गूगड़ की महकार होता ही बाग हो तो ऑटोमेटिक अपने आप हरे हो जावे और कई दिन तो हो गया बाग के मायने फिर बाबू गोरखनाथ जी आपके चेला ने कहने लगे चलो कितना हो थे मारे बोले महाराज अणगिणत रहे यहाँ 9 लाख बोले कोई हुक्म को तावे ले अगरनाथ जी महाराज देख बोले महाराज मैं हूँ मन के वो कोई काम है जिको तो प्यारे सजनो 5 पानों के वीडियो बना गए और गुरु जी महाराज किसी भांति से देवे आपके चेला ने और के अपनी राम सभा सुन ले है पांचे पनारो गुरुजा ए पीड़ो कड़ा
जी महाराज ओगड़नाथ ने कहा ओगड़नाथ तुम वीडियो तो संभालियो यहाँ काम करवाइए और नजदीकी गांव है नी इमु जात हूँ पानी लिया ठंडो और गुरुजी ने प्यास जरूरी लागी है। तो प्यारे सजनो ओगड़नाथ जी महाराज झोली झंडा ले गए बगल के मायने और गुरुआंगी तुम भी ले गए और नगरी सामो फिरियो। तो नगरी के मायने एक घर फिरियो दो घर फिरियो और तो तीसरा घर बात चल गई बासल के घर जावे आले त्री आवाज लगावे आले के निरंजन आओ बाबा महाराज थोड़ा सा रुको माता बासल उन टाइम के मायने स्नान कर लाग रही प्यारे सुनो। तो माता बासल जोगी राजा ने कहे आगो ना आई जोगेश्वर पाछो भी नहीं जाई अरे भिक्षा ले गए पाछो ही जाई तो भिक्षा ले गए जाई महाराज बन जाओ तैयार है। तो प्यारे सजनो माता वासल झरता कैसा चाली है और जोगी राजा ने चावल मुंगा के लिया भीख देवे ऑन टाइम का मैंने ओगड़नाथ जी महाराज कहने लगे माता एक चावल मुंगे नी जका तुम्हारा कंकर पत्थर है बोले तो बोले माने प्यास लग रही है और हमारे गुरुजी ने भी प्यास लग रही है आप यहाँ काम करो पानी पाओ माने थोड़ा सा पानी पिला दियो। बोले हे जोगेश्वर पानी न मांग मारख तो दूध मांग ले बोले क्यों बोले मारे नगरी में जो खारो पानी है साठी का कुआ है ढोलांगे दमीड़ा बारो ही आशी तो प्यारे सजनो ओगड़नाथ जी देख रहे बोलिया माता गुरु गोरख की आण फिरेगी तो थारे खारे से मीठो बनी कुए को पानी जो मीठो होती सी अरे यहाँ काम करो फिर तुम्हारे घालोगा पानी बोले क्यों नहीं फिर पानी घाल तो प्यारे सजनो ओगड़नाथ जी महाराज काचे सूत कुआ जुड़ा दिया है और खेली कोठ है जगह सारा अवसर भर गया और पानी की किड़ियारा बगन लाग रही समाक्षम करती अरे गड़ो सिर पर है और पानी हो जो कुए को मीठ होई हो गयो। अबे माता बाछल आपके सहेलिया ने आवाज लगा हे सहेलियो अपन जोगेश्वर ने दूध पिला चा सारी नगरी में दूध इकट्ठो करा लियो है और दूध जारी के मैंने घाला है उन टाइम का मैंने ओगड़नाथ जी कहने लगे आपकी जोरी ने क्या धारी तोड़ू मरोड़ू फटकू ला ताल गना अरे अब तू यहाँ काम करी गड़बे ऊंची नहीं आ जाई आ हमारी बात सुन ली गुरुआ खाने पाछी कौन ले जाऊंगी। तो प्यारे सजनो झारी के मायने दूध पुरुष है जिन टाइम में माता बाछल पुरुष थी थक गई है तो हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा जी माने कोई ऐसी आशीर्वाद दे यानी महारा धन को कोई धनी है ही नहीं बोले धनी बोले हाँ हमारे कोई लड़को तो है कोनी बोले आप कौन सा जोगी से आ तो किसी भांति से केदार की अपनी राम सभाई सुना है केदारिया ए साचे बता दे माता ये तूने जोगी से आ रे
प्रोग्राम श्री भवानी रिकॉर्डिंग कंपनी की ओर से पेश किया गया। Thank you.
प्यारे सजना, गुरु गोरखनाथ जी महाराज बार बार बुझन लग गया ओगड़नाथ ने, हे ओगड़नाथ तू ही माता ने किया साथ में ले गए वे। तो प्यारे सजनो, उन टाइम के मायने ओगड़नाथ जी देख बोले, महाराज थारे खन नहीं आयोड़ी है, दूर का संसार हुआ तो यूं बता तो अच्छा लगू, अथे आप ही बुझ लो। तो प्यारे सजनो, गोरखनाथ जी महाराज पूछे, हे माता थारो आवणो आठ है साधा के मायने कहीं हो गयो। तो प्यारे सजनो हाथ जोड़ गए और बासल माता के, हे बाबा मारे पुत्री कोनी और पुत्री कोनी, तो मन बांदड़ नाम के ही महाराज एक माने ऐसो वरदान देवो ताकि मारो बांदड़ो नाम है निज को खोई जावे और मारे कोई संतान हो जावे। तो प्यारे सजनो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ऐति बात सुन गए और आंखें मेण लगा रहे, प्यारे सजनो समाधि लगा दी। तो यानी प्यारे सजनो, कवि की कल्पना है कि 12 वर्ष तक समाधि खोली नहीं, यानी 12 वर्ष तो भी अच्छो और 12 घंटा तो भी अच्छो, भी बात रो तो मैंने पूरा भेद नहीं है। तो प्यारे सजनो, सुनड़ी बात मैं के हूं के माता बाछल 12 साल तक बाबा गोरखनाथ जी की पूजा करे, तो 12वें साल बाबा गोरखनाथ जी आपकी आंखें खोले तो माता बाछल बैठी सागी पगा खड़ी है। तो प्यारे सजनो, जोगी राजा प्रसन्न हो गए और माता बाछल ने क्या कहने लगा, हे अम्मा बाछल तू यहाँ काम करी, अब तो घर चली जा और सुबह 4 बजे आई उन टाइम के मायने आपको मैं वरदान देऊंगा। तो प्यारे सजनो, धूपबत्ती कृष्ण देना, माता बाछल तो हल्की सी भाज गए आपके घर चली गई और बिनु बाछल की बहन ही काछल बिन बा बात सुन लेंदी। अरे तो प्यारे सजनो, बिना नींद क्या आवेगी, बात आपके टेम हुई आ लेंदी। 3 बजे यार बाबा जी ने हिला लगाने लगे, महाराज प्रणाम हो। बोले आप कौन हो, बोले मैं हूँ बाछल है। यहाँ क्या के अभी मैं काछल हूँ, बोले आओ देवी ये टाइम की। बोले महाराज 4 बजे कौन गए, बोले 4 तो कौन बजे, बोले मैं सोचे बज गया। बोला तो प्यारे सजनो, बाछल ने तो कुछ टाइम लाग गयो और बिनु काछली गोरखनाथ जी महाराज वरदान दे दियो। आपके झोड़ी के मायने संभाले तो 2 जो नीस रहा। बोले ले माता ये जो ले जा और जुआ से आपके जोड़ा 2 ही हो जासी। तो इसीलिए प्यारे सजनो, काछल वरदान ले गया आ गई है और बाछल सीधी रह गई है। तो प्यारे सजनो, 4:15 को टाइम हुयो उन टाइम के मायने बाछल आई। बाछल आर कहने लगी, महाराज प्रणाम हो। निमो नारायण बाबा जी। बोले कौन हो, बोले मैं बाछल है। बोले पाछी क्यों आई, हे माता तन लोभ ज्यादा पड़ गयो। बोले नहीं बाबा जी, मैं तो अभी आया हूँ। बोले पहली एक तेरे जैसी आई बा कौन ही। बाबू जी अंतर ध्यान होके देखे, बोले हाँ काछल ही बा। ठीक है हे माता, मेरे पास तो और तो कुछ है नहीं, जितना मेरे पास वरदान था वो मैं दे दिया, तो अभी दिया हुआ वरदान तो मैं वापिस ले हूँ कौन ही। अरे थे यहाँ काम करो, जरा सो पग ठमो, मैं हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद करूँ और गुरु जी ने बुलाऊ कोई ना को लागे। तो प्यारे सुनो, आपके गुरु महाराज ने प्रणाम करे और याद करे किसी भांति से कहे, आनी मोनी मोरे गुरुदेव मैं नाम रे नी मोनी मोरे गुरुदेव Oh,
पांती साहब के गुरुदेव ने मनावे तो प्यारे सजनो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का गुरु कौन है? मच्छिंद्र नाथ है। वे चाल के आ गया, बोले हाँ बोलो बाबा मैंने किया याद किया। बोले महाराज इसी बांती से मैं वरदान दियो, अर्ज को वरदान तो पस गयो कछ लेगी, अर्ज की मैं वरदान देनो वाह माता तो यहाँ ही रहेगी। आवे गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ दोनों मन में सोचा के उपाय करा, धोखो हो गयो आपने सागे तो धोखो हो गयो, तो अपन के करना चाहिए धोखो ही अपन कर लेना चाहिए वाह बाबा शाना पड़ा फिर तो प्यारे सुनो गुरु गोरखनाथ जी महाराज और मच्छिंद्र नाथ कैसी सोची मन में क्या और तो कोई उपाय है कोनी, पियाणा के मायने राजा बस के तो बांगे सेंस पुत्र है हो सके अपन एक पुत्र दे देवे तो ओ। फिर मन में सोची का देख भाई गोरख मांगिया कोई कौन देवे नहीं आपणिया काम करे मैं तो हट बैठे हूँ यार तू थोड़ी निगाही राखी यार जा बैठू एक तो चुका लिया भाज के जा। अरे बड़े सी उठा है एक छोटी सी बात है केवे नहीं के मांगिया मूड़ा कौन देवे मूड़ा देसी रात है। तो प्यारे सजनो गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपके गुरु सुखनु ले गए आशीर्वाद और पियाणा के मायने चले जावे तो पियाणा के मायने राजा वासक ने उनटे में नींद आ रही और नागणी जी को आपरी कोई रसोई पानी कर लाग रही। अरे बटून गाते एक धीरे से इंडो चक गए बटू पाछो भाज गया तो प्यारे सुनो मच्छिंद्र नाथ जी खनावे उन टाइम के मायने लारू जागर हो जावे रानी रोटी को टेम होने लागो तो आप बच्चिया ने संभाला एक बच्ची हो कोनी कोनी मन में सोचे एक बच्चों की नियो तो दबा दबी ने देखे खेलने के हेला मार लागे दबा दबे बच्चों को ही आयो कोनी बोली एक कौन देखे तो पग देखे तो बाबा जी का पग पड़िया लंबा लंबा। अरे और कोई उपाय कोनी यार ले गया कम सकी कोनी तो ला रही दोनों जना भी बात छूटा तो प्यारे सजनों कार्य की जड़ा ऐसी हुआ है तो आगे आवे तो एक खेड़ी के नीचे है गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी दोनों नृता बैठ गया लारू जागर होगी आन तो लाग रही है अपन जान देवे कोनी तो बैठे आगे और कहने लगे बाबा जी मारी कोई वस्तु ले आओगे थे। बोले ना भाई मैं वस्तु क्या मिले यहाँ बां के काम करियो वा वस्तु ले आ गए खेरड़ी ने सौंप दी। खेरड़ी ने कहने लगे कि आ मारी वस्तु है और आ तू मारी राख ले और मारे ला रहे बाहर आने लाग रही है मारकनु खोसी। खेरड़ी देख बोली महाराज अनेक वस्तु राखो मैं क्या पालू तो खेरड़ी बराड़ दे दी है और खेरड़ी मां राख दी है उन टाइम के मायने वे लारू नाग और नागनी आ गया। नागनी यार कहने लगी जोगेश्वरे मारी वस्तु बोले मारकन तो कहानी तो इन्हें मैंने शोरम काटी तो खेरड़ी के मायने तो खेरड़ी के मां जा और सुगंध लिंदी बोले हाँ इंगे मायने है तो खेरड़ी जल्दी जाके कहने लगे खेरड़ी थार मां मारी कोई वस्तु है? बोले ना भाई कोनी। बोले है तो मान बता दे। बोले मार में तो है कोनी यार जे मारकने है तो इमन किस्ते दी नहीं गए थारी देड़ी है तो ले ओ। तो प्यारे सजनो कवि की कल्पना है बट हूँ खेरड़ी घनु वे वापिस गिरे उन टाइम के मायने खेरड़ी ने केसो श्राप देवे क्या जाओ थारे कोड हो जिसी तो कोड अर्थ वे खेरड़ियां के बेला गए नहीं गोरिया सा ग्रोंडिया वो कहे नागणी को कोड देड़े श्राप देड़े और बिनु बे तो चलिया दवे पियाणा के मायने और बाबो गोरखनाथ जी आर के वे हाँ हमारी बाबूस तीन बाले आओ। बोले ना बिन रहे तो क्या हाँ हाँ बात है ना खान पीन ना तो दादी और मनोरा पति तू ले ले हाँ फेरा पति तू ले ले आखड़ी जच है की बात श्राप तो दियो है मन है और बस तू थाने दे दी मुँह आज थारो और मेरे कोड काट दियो नहीं। तो प्यारे सजनो खेरड़ी कहने लगी महाराज ये तो बस तू देव को नहीं मैंने भी कोई वरदान देव। तो प्यारे सजनो गुरु गोरखनाथ जी महाराज देख बोलिया के महाराज तरफ से वरदान ही तो ये के खेरड़ी के नीचे में धुनो लगा के बैठागा और जठे कड़जू के मायने गोगो पीर दुख सी और बट मारो धुनो उसी थारी खेरड़ी के नीचे और थारी खेरड़ी के नीचे ही थान उसी। तो प्यारे सुनो सागी वस्तु जिसकी तू खेरड़ी दिन ही नहीं और बिंगो तो नाम कुछ पलट के और रख दियो आप खुद समझदार हो ध्यान से देखो और कोई ब्राह्मणा से पूछो और वो इंडे गुपुर है ना वो छिलको से वो बांध दे दियो तो वो छिलको ले आगे गूगल में मिला लो और गूगल के मायने मिला गए और बात चलने दे दियो जाओ माता थारा लड़को एक होसी और होसी बांधो ना हुई सवायो और बांधो ना लड़का की मौत है जिकी इंगे ही हाथ में है। तो प्यारे सजनो तीन जागे धोखो हुए
अब एक दिन के समय सावन तीज आ गई तो सावन तीज के महीने हिंडो हिंडन लाग रही सहेलिया। तो प्यारे सजनो हिंडो हिंडन लाग रही तो बैठे क्या कहने लगी सहेलिया कि हे बुआ जी थे आप हिंडन आया हो थारो को कोई जोग को नहीं हिंडन के बोलो किया बोले थारी भोजाई है ना वा जेवर और नेवर दो भैया थारी भुजाई अब आकट रहे है। अरे अब मन में सोचियो करे बैठे वो तानो मारी है तो प्यारे सजनो ओ कारण हुए कोई गणी जनी बूढ़ी माता भेड़ी हुआ कट है मंदिर में जावे तो मंदिर में क्या के वास्ते जावे भगवान कृष्ण का दर्शन करने वास्ते जावे। अरे तो वे सुबह सुबह दर्शन को करे नी गणी जनी बूढ़ी माता पचे नहीं यहाँ तमाकू वाल डबो यहाँ खड़कावे यहाँ तमाकू मारा ते नी राम कृष्ण मारो कहो थोड़ो गणो को माने नी अरे यहाँ कोनी भी ती कोई लारू मान्य हो गए भगवान का दर्शन को करे नी भूमारी चुगलिया करने के वास्ते जावे। तो बे हिंडो हिंडन कौन गई आमा सामा मेणा बोलन गई तो जो कहते हैं मायने आंख मायने आंसू ले आगे और आपके भाई ने जागे कमरी सबीली किसी बात से कहवा सो कथा सुनो बोलिए जाहिर वीर महाराज की जय हो। आ भरी तो कचेड़ी रे राजा ओ देवर की बेटी रे दादा ओ मर की बेटी।
मोकल सर वाले और गायकार तो कोई और है और फोटो लगा रखी है सोन लाल की। तो इसीलिए प्यारे सदनों मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप कैस्ट खरीदो, पहले आवाज चेक करो कभी इसके अंदर सोन लाल बोल रहा है कोई और बोल रहा है। तो इसीलिए हमारा डेरों का प्रोग्राम श्री भवानी कंपनी सुरतगढ़ वाले और श्री भवानी कंपनी पेश करती है। तो इसीलिए प्यारे सजनो जब भी कैस्ट खरीदो तो आप पहले आवाज जरूर चेक ही करो। तो प्यारे सजनो वात्सल माता वरदान ले गए और महल के मायने आ जावे तो उन टाइम के मायने विंडो हिंडने के लिए सही लिया जावे। तो छवीला ने बोल बोला दिन छवीला आ गए आप गए भाई ने किसी भांति से कहे हे भाई साहब मारी एक बात सुनो। बोले कौन सी? क्या देखो भरी कचड़ी राजा जेवर की बेटी दादे उम्र की बेटी और भरी कचड़िया के मायने आगे चुगली खावा कौन छवीला। आगे कहने लगी भाई साहब सात बांस है जिका अपना चवाणा में लाद सारो लादे ही परवार। बोले क्यों के बात है भाई? बोले बात यहाँ है बादशल है जिकी कठरे वे दिन दिन तो वहां मेल मेरे वे और सांझ पड़ेगे मोडा ही ये काम कुकर है ठीक है गे। बोले तो बात बहुत माड़ी है। तो इसीलिए महाराज आप नाक कान सारा ही कट जला और थे यहाँ काम करो मानो कोई उपाय करो। बोले के उपाय करना चाहिए? तो प्यारे सजनो किसी भांति से दुकान बुआ छवीली विधि बतावे और के अपनी राम सभा सुन ले भगवान की जय हो। एका तो रानी ने राजा रे मारे थोड़ा सा धीरे चालो रे
जी महाराज की। हाँ तो प्यारे सुनो, राजा जेवर रानी ने कहने लगे, हे रानी थारे धीरे तो ब्याह मंडवे है, अरे और जेव है तो थाने ब्याह जरूरी जानो है, कुंकू पत्री आई है। अरे कहने लगी, राजा साहेब क्यों नहीं जावांगे जरूर, तो माने ये बताओ थे कद आयो, बोले आज तक 15 दिन पड़े ब्याह का, थे तो चालो और मैं पछला लू आई जिशा, तो इसीलिए प्यारे सजनो दुकड़ा ले गए। रानी कहने लगी, राजा सूर्य देन का धोरी बेल जुड़ा दो, अर माने मारे पीवरी उगा दो, आडा तो ऊपर राजा पर्दा लगा दो, जूनोड़ो रथ ही श्रृंगार दो, तो इसीलिए प्यारे सजनो जूनो रथ श्रृंगार दियो है, उठा रोप गए आडा हुआ पर्दा लगा दिया, अरे और बाछल ने माई ने बिठा लिया और खड़ेती ने देख रहे, बोले यहाँ काम करी ते कोई पीर पुगानी न कोई बात है, जे तेरे पीर में कोई नान लड़ो होगी तो यहाँ अपने नाक कान कर दी सी, अरे जे अठ कोई नान मट होगी तो नाक कान कर दी सी, इसीलिए माई ने छोड़ गा जा। तो प्यारे सजनो रिम जिम रथ ने तोड़ दिया है और आगे बावनी उदाड़ आई, उन टाइम गई ने वो भाड़ती तो पाछो आ गयो और रानी पूरी जान लाग रही। तो प्यारे सजनो बिनु दिन छिपियो और बिनु रानी मन में सोचो, ले भाई अब तेरो बाली बार साठ कोई को नहीं। तो प्यारे सजनो रानी किसी भांति से दिखाने विश्राम लेने के वास्ते आपके बेलिया ने ढाबे और के रथ ने ढाबे। तो प्यारे सजनो आगे की कथा शुरू ही किया हो जावे। Hey।
प्यारे सुनो रानी बात लाओ बन गए मायने अकेली बैठी मन में सोचा वाह भगवान वाह हाँ किसी करी मारे सागे तो प्यारे सजनो रथना डाब गए और झूला बिदार दिया और बेलिया ने चरणा वास्ते छोड़े तो प्यारे सजनो भगवान के घर से एक ऑर्डर हुए ते फोड़ पियाड़ एक बस कनागा लागो और बम्बी संभाई री बम्बी संभार आगे और डावो धोरी हो जगह डंक मारियो समा गए डंक मारियो और भेलियो चक्कर खा गए भूपड़ियो रथ के मायने बैठी बाछल देखियो बोले वाह भगवान वाह अब हुई है ठीक क्यों कहे वो एक दो आवाज ना विधवा के मायने कुकर के है के डूंगा डेर डरावना मां सुरली बूर एक पी रोग सांस रहे तो दोनों रहेगी दूर है इसी भांति से मन में सोचो क्या पीवरे तो कहीं तो दूर रह गयो अरे सास रोज कोई दूर रह गयो अब थारो धनिया टकोई कोई नहीं बबन कोई सुसरो तो क्या रे सजना ऐसी मन में सोच गए और बात लग कड़पन लागी आंखें आगे माई ने साउंड बाद गए तेरे आंसू पड़न लाग गया अब के उपाय सोचे तो क्या रे सजना जहरवीर महाराज गर्भवास में बैठो वाद लगावे के हे माता आप कड़को मना बोले तो यहाँ काम करो शीश की मोड़ी ले गए और तांती बांध दो और गुरु गोरखनाथ के नाम की तांती बांधो माता आपको बेली अवश्य सर्जित होगी जैसी तो प्यारे सुनो शीश की मोड़ी ले गए और तांती बांधी है गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने मना गया उन टाइम का मायने बेलियो छग सब नाचन लागियो जी हाँ साई के मायने साई आड़ा किया नाचा करे रामलीला में जीव नाचन लागियो ढोल भी नाल नाचे जीव लतार आई तो प्यारे सजनो माता बात चले बेलियो ने ले आगे और रथ के जोड़ लियो अब मन में सोचो क्या चालो अब आप पीर चाल श्याम तो पीर खाने भीर हुए उन टाइम का वर्णन कभी किसी भांति से बतावा सो कथा सुनो बोलिए भक्त वसल भगवान की हाँ तो गोगो जी महाराज गर्भवास में फेर आवाज लगावा हे माता अब सीधे बोले अब थारो नाने रहा बोलो नाई माता बोले तो बोले यहाँ काम करो पाछा ददरे वे चालो तो किसी भांति से केवा गोगो जी महाराज किसी भांति से माता बात सुना के अपनी राम सभाई हाँ तो गोगो जी महाराज गर्भवास में फेर आवाज लगा हे माता अब सीधे बोले अब थारो नाने रहा बोलो नाई माता बोले तो बोले यहाँ काम करो पाछा ददरे वे चालो तो किसी भांति से के गोगो जी महाराज किसी भांति से माता बात सुना के अपनी राम सभाई नाने रे जाया ए माता ए नानेड़िया के
गोगो जी महाराज माता बाथल ने कहे हे माता अब तू हिद सावे है। बोले घर नाने रे। बोले नहीं माता नाने रे मनंदा। बोले तो यहाँ काम कर पाछी दिदरे वे चाल। बोले क्यों नाने रे में किया है। नाने रे जावा है माता मन भाणूडो के वे मन नानडियो के वे। अरे तो मारी करामात ही घटी जावे। करामात है जिकी मारी घट जावे। तो इसीलिए माता पाछी दिदरे वे चाल। दिदरे वे चाल तो मैं जन्म ले और नाने रे तू 12 साल तक बैठ ले। मैं जन्म कौन लेगा। अरे तो प्यारे सुनो माता बाथल ने बार बार वीर गोगो जी महाराज कहने लगे हे माता तू ददरे में जाई तो मैं जन्मो ले आयु और गढ़ ददरे होगा बनसी हूँ राजा। मैं राजा बनूंगा। नी पुत्रो नाम है जो थारो और राजा को नाम जरूर ही बनाऊंगा। तो इसीलिए माता वापिस चाल। तो प्यारे सुनो माता बाथल पाछो रथ ने घेर लेवे और पाछी ददरे वे खानी वीर हुए। तो ददरे वे के नजदीक आवे उन टाइम का मायने नकीबदार देख रहे। बोले महाराज ओ श्यामे ने हाल कर दिया। बोले किया वे। बोले बात पाछी आन लाग रही है। बोले नगरी वाला जाओ फिर पाछी घेरो। अरे तो सारी नगरी राजा को हुक्म हो तो कौन कौन धक्का देवे नहीं। वापिस आ रहे रथ ने धक्का लगान लाग गया। अरे गंडक लगावे। तो प्यारे सजनो रथ है जो पाछो चालियो को नहीं। तो राजा देवर और नेवर वे दोनों भी भाजा वे आगे और रथ ना धोको लगावे पाछो। तो दोनों जिया बेल जुड़े नी जो रथ का जुड़ गया। टग 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 मेला खानी एटो बेटी की समझ गया अंगन जो पर दूपिया। तो आवे प्यारे सजनो मन में सोचो और कोई उपाय को नहीं। ओ कोई अड़खन दो है जो जन्म लेन दो के यार के नहीं फिर सोचांगा कोई बात है। तो प्यारे सजनो माता बाथला वापिस मेलांगा महीने आ जावे। उन टाइम के मैंने सूरवीर गोगे जी महाराज को जन्म हुए और दाई ने बुला के लिया किसी बात से शोक था। सुनो बोलिए गुरु महाराज की जय हो। I'm gonna be.
महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। हाँ तो प्यारे सुनो, सूरवीर गोगे जी को जन्म हो जावे, दाई ने बुला गया उन टाइम का मैंने दाई हाथा पगाऊ पांगड़ी। तो प्यारे सदनो, पहलो पग पेड़ी पर मेले तो बांगे के हाथांगी पगांगी टूटी खुली जावे, और दूसरो पग पेड़ी पर मेले तो बाने की कम सूझा कर तो अरे तो कहे दाई ने धारो धार सूझन लाग गयो। सो बाट भी सो बाट रो बल्ब हुए नहीं जीव आंखिया हो गई। अरे भाई जी दाई मन में सोचो क्या वो तो कोई जागियो तो कोई सूरवीर ही जन्मियो है। तो इसीलिए प्यारे सजनो नुआ दुआ गे आ छित्रिया और बाछल की झोड़ा का मायने दे दे। तो एक दिन के टाइम के मायने बाछल आपके दूर बैठी कोई धंधो कर लाग रही और सूरवीर गोगो जी महाराज पालन के मायने सुतिया पड़िया। तो दिनू नागराज मन में सोचो आज आपनो टाइम है आज चालो आज आप मौको है लारलो बदलो ले लारलो बदलो लेने के वास्ते। प्यारे सुनो पहले पहले पास बोले अने तीन जागिया धोखा हुआ है तो वे ओ तीसरो धोखो है। तो प्यारे सुनो छपने पियाना से फोड़ गए और निंडा देने लाग गया सूरवीर गोगे जी महाराज ने। तो बिनू पदमन आगड़ी कोई पून घालन लागी तो माता कड़पन लागी। माता मन में सोचो ले भी टाबर है एरो डंक लगा सी बस के और बस खासी तो टाबर मरी जासी। आपने सगा भगवान के करी हे भगवान हे नाग देवता आप खान मकान चले जाओ हे नागराज आप खान मकान चले जाओ हमारा लड़के को निंडा मन ना दे। तो प्यारे सजनो गोगो जी महाराज के हे माँ तू क्यों कड़पन लाग रही है। हे माता काले सर्प का मैं कर दूला नेत्रा और झगड़ मगड़े धेड़ो कमड़ो। तो इतनी बात सुनी बस करा जा और दिखाने किसी बांति से डंक लगा वे की अपनी राम सवाई सुन ले। जानती
जी महाराज।